इस मूवी में एक लड़की दूसरी लड़की के प्यार में पड़ जाती है और उसके सामने अपनी दोनों टांगे खोल देती है। दूसरी लड़की उसकी झील से पानी आता देखकर उसे पीने लगती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम दो लड़कियों को देखते हैं जो रोमांस कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की का नाम होता है बेला, जो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही होती है। रोमांस करने के बाद दूसरी लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। तो बेला कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बेला कहती है कि मुझे काम पर जाना है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं बेला दो आदमियों के साथ रूफिंग का काम कर रही होती है और गाड़ी में एक खूबसूरत सी लड़की वहाँ आती है जिसका नाम जैस्मिन होता है। वो आदमी जैस्मिन को छेड़ने लगते हैं और ये देखकर बेला हंसने लगती है। रात को जैस्मिन घर में होती है और मस्ती करने के लिए अपने मंगेतर पीटर के नेल्स पर पेंट करने लगती है। पीटर उठ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हुए ठुकाई करने लगते हैं। पीटर अपने नेल्स पर पेंट देखता है और उसे साफ करने के लिए चला जाता है। अगली सुबह पीटर काम के लिए एरिजोना चला जाता है और जैस्मिन घर पर अकेली रह जाती है। रात को बेला अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ पब जाती है जहां सिर्फ कपल लड़कियां ही होती हैं। बेला और उसकी फ्रेंड बारटेंडर को देख रहे होते हैं और बारटेंडर भी बेला में इंटरेस्टेड होती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं जैस्मिन भी अपनी फ्रेंड के साथ इस पब में आ जाती है। वो दोनों अंदर जाते हैं और जैस्मिन कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। वो बाथरूम जाती है जहां बेला भी होती है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। बेला जैस्मिन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और जैस्मिन कहती कि मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए। वो बाहर आ जाती है और बेला भी उसके पीछे चली आती है। बालकनी में जाने के बाद बेला को पता चलता है कि जैस्मिन एंगेज्ड है। वो दोनों स्मोक करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद बेला जैस्मिन को किस करती है, जो जैस्मिन को भी अच्छा लगता है और वो भी बेला को किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद जैस्मिन गुस्से में अपनी फ्रेंड के साथ पब से बाहर निकलती है और कहती है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या हुआ, तो जैस्मिन कहती है बेला ने मुझे किस किया और मैं एंगेज्ड हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें उसका किस करना अच्छा लगा। तो जैस्मिन बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बेला भी बारटेंडर के पास जाती है और उसे अपने घर पर ले जाती है। अगली सुबह बेला काम कर रही होती है और जैस्मिन उसे अपनी बालकनी से देखने लगती है। उसके बाद जैस्मिन अपने बाथटब में जाती है और टांगों के बीच में उंगली डालकर खुद को सेड्यूस करने लगती है। इसके बाद जैस्मिन तैयार होकर काम के लिए निकलती है और बेला उससे बातें करने लगती है। जैस्मिन उसे बताती है कि मैं फैशन मैगजीन के लिए काम करती हूँ। बेला जैस्मिन के पास आकर कहती है कि तुम शाम को क्या कर रही हो, तो जैस्मिन कहती है मैं लेट काम करके आऊंगी। बेला कहती है कि मैं अंधेरा होने तक यहीं काम करने वाली हूँ। जैस्मिन मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए बाय बोलकर चली जाती है। शाम को बेला अपना काम खत्म करती है और जैस्मिन ऑफिस से वापस आ जाती है। बेला जैस्मिन से बात करती है और जैस्मिन कहती है कि हम सिर्फ एक ड्रिंक करेंगे। रात को हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे से तैयार हो रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। फिर दोनों पब जाते हैं और जैस्मिन बताती है कि मेरे पास न्यूयॉर्क जाने की अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैंने पीटर की वजह से सैक्रिफाइस कर दिया। बेला उस पर हंसती है और कहती है कि अगर मैं पीटर की जगह होती तो तुम्हें जाने देती या फिर तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क चली जाती। ये कहते हुए बेला जैस्मिन को टच करने लगती है और जैस्मिन कहती है कि तुम बहुत स्वीट हो और मुझे तुम्हारा स्टाइल भी बहुत पसंद है। वो कहती है मैं एंगेज्ड हूँ और बेला उसके करीब आकर उसे किस करते हुए अपना हाथ जैस्मिन की गुफा में डालने लगती है। फिर जैस्मिन वहाँ से जाने लगती है और बेला भी उसके पीछे पीछे उसे जाकर रोक लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जैस्मिन बेला के घर पर होती है और उसे पीटर का फ़ोन आता है। जैस्मिन पीटर से कहती है मुझे थोड़ा काम है और मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। फिर जैस्मिन बेला की बचपन की फ़ोटो देखती है और बेला उसे अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। वो दोनों बाहर जाते हैं और बेला जैस्मिन को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो अपने डैड की हेल्प किया करती थी और कुछ टाइम बाद मैं रूफिंग का काम सीख गई। जैस्मिन भी बेला को बताती है कि बचपन में मैंने अपनी एक फ्रेंड को किस किया था और वहाँ पर मेरी मॉम आ गई थी और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड से कभी नहीं मिली। वो कहती है जब मैं बड़ी हुई तो मेरी मॉम किसी भी लड़के के साथ मेरी शादी करवाना चाहती थी जिसके पास एक अच्छी जॉब हो। वो कहती है कि उसके बाद मैं सब भूल गई, मुझे क्या पसंद है। वो दोनों राइड ले रहे होते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। बेला जैस्मिन से कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और फिर दोनों घर चले जाते हैं। अगली सुबह दोनों घर पर होते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। फिर रात को वो दोनों गाड़ी में बात कर रहे होते हैं और बेला कहती है मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ, तो जैस्मिन कहती है मैं कल नहीं मिल सकती क्योंकि पीटर वापस आ जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इतने में पीटर जैस्मिन को वॉइस मैसेज करता है कि मेरा गोल्फ गेम बारिश की वजह से कैंसिल हो गया है और मैं घर जल्दी आ जाऊँगा। जैस्मिन अपना फ़ोन नहीं देखती और गाड़ी से बाहर निकल कर बेला के साथ रोमांस करने लगती है। वो दोनों जैस्मिन के घर जाते हैं और बाथ टब में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और इतने में पीटर वहाँ आ जाता है और उन्हें इस हालत में
में देख लेता है। पीटर शॉक में होता है और घर से बाहर चला जाता है। जैस्मिन भागते हुए उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन पीटर बहुत गुस्से में होता है और जैस्मिन से कहता है कि मुझसे बात मत करो। बेला भी अपने घर चली जाती है और बहुत उदास होती है। अगले दिन पीटर जैस्मिन से कहता है कि मैं वहाँ खड़ा हुआ था और तुमने मुझे देखा तक नहीं। जैस्मिन उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो और मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे सब नॉर्मल हो जाए। पीटर कहता है कि तुम लेस्बियन हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जैस्मिन कहती है, मैं तुम्हें नहीं खो सकती और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पीटर कहता है, ठीक है, अभी तुम मेरे साथ चलोगी और उसे चलकर बताओगी। सब खत्म हो गया। जैस्मिन और पीटर बेला के घर के बाहर होते हैं और जैस्मिन बेला से मिलने के लिए ऊपर जाती है। जैस्मिन रो रही होती है और बेला से कहती है कि पीटर बाहर गाड़ी में है और वो चाहता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, जिसे सुनकर बेला और उदास हो जाती है। जैस्मिन कहती है, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन हमें यही सब खत्म करना होगा। बेला उदास होती है और कहती है, मुझे तुम्हें इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए था। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और जैस्मिन बेला को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एक शाम जैस्मिन पीटर के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर को ये सब कंफर्टेबल नहीं लगता और वो जैस्मिन को इग्नोर करने लगता है। बेला अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्टी में होती है जहाँ उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं जैस्मिन से प्यार करती हूँ और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो एक बार में जाती है जहाँ वो एक औरत के साथ रोमांस करती है जिसे वो पहले से जानती होती है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। फिर अगली सुबह जैस्मिन बाथटब में होती है और पीटर भी उसके साथ नहाने चला जाता है। वो दोनों रोमांस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन जैस्मिन को अब ये सब अच्छा नहीं लगता और वो दोनों अपसेट होकर रोने लगते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं बेला एक पार्क के किनारे बैठी होती है और थोड़ी देर बाद जैस्मिन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। और अब हमें पता चलता है जैस्मिन पीटर से अलग हो गई है और अब वो बेला के साथ ही रहती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।